ये माला तो चक्र है ना, चक्राकार है, और वैष्णवों में सुमेरु आए तो वहीं से माला को वापस घुमा लेते हैं। भावना क्या है, जो सुमेरु हैं वो राधा गोविंद हैं, महाप्रभु जी हैं, और जितने मनका हैं वो सब परिकर हैं, भक्तगण हैं। तो हम लोग माला करते हुए सुमेरु रूप राधा गोविंद की परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारी माला, ये रास का चक्र है, रास चक्र है, या ये कहिए सिया जी की पुष्प वाटिका है, रास चक्र है, जहां सखियां हैं और सीताराम भी हैं। अब मुझे अपने मन रूपी मनके को घुमाना है, अथवा ये सुमेरु महाप्रभु जी हैं, और जितने भक्त हैं वो सब गौर भक्त हैं, कीर्तन हो रहा है, तो कह तो रास चक्र में मन लगाऊं, कह कीर्तन चक्र में मन लगाऊं, और इस रास चक्र और कीर्तन चक्र में मन नहीं लगाए तो फिर तीसरा एक और चक्र है जिसका नाम है ग्रह चक्र। उसमें तो हम सब अनंत जन्मों से चक्कर लगा ही रहे हैं, कभी मंगल दुश्मनी निकाल रहे, कभी शनि देवता दुश्मनी निकाल रहे, पीछे ही नहीं छूट। तो क्यों ग्रह चक्र में पड़ के दुर्गति की जाए, भगवान के गुरु के अनुग्रह चक्र में पड़े, और गुरु के अनुग्रह चक्र के परिणाम स्वरूप प्रभु के रास चक्र में, कीर्तन चक्र में।